केक बियाबान सुसान आइलैंड पर जाना. व्हाई डिड द नैरेटर एंड हिज फॉलो सेलर्स रन इनटू क्लोज क्वार्टर्स. यानी कि नैरेटर और उसके साथ ही यानी कि कमरों में क्यों भागे. दे रन इनटू क्लोज क्वार्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वेव्स. वो अपने आप को तेज़ हवाओं से फ्रॉथ झाग और स्प्रे ऑफ द सी और समंदर के स्प्रे से झाग से बचाने के लिए अपने आप को कमरों में भागे. वट वर द नैरेटर एंड हिज फेलो सेलर्स अफ्रेड ऑफ. यानी कि जो नैरेटर और उसके जो साथी थे किस चीज़ से डर रहे थे. दे वर अफ्रेड ऑफ ड्राउनिंग इन द सी. उनको समंदर में डूबने का डर था. वट हैड हैपन टू द फर्स्ट बोट इन द शिप. यानी कि पहली बोट के साथ क्या घटना घटी. द फर्स्ट बोट वॉज एट द शिप स्टर्न. जो पहली बोट थी वो शिप के पीछे थी. ड्यूरिंग द स्टॉर्म द बोट वॉज ब्रोकन. तूफान के दौरान जो बोट थी वो टूट गई थी. इट वॉज देन ईदर संक और बीन ड्रीवन ऑफ टू सी. या तो ये डूब गई थी या फिर ड्रीवन ऑफ टू सी समुद्र से कहीं दूर जाकर बह गई थी. हाउ मैनी मैन वर देयर इन ऑल. यानी कि उस शिप पर कितने आदमी थे. वट डिड दे डू टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द ब्रेकिंग शिप. उन्होंने टूटती हुई जहाज से अपने आप को बचाने के लिए क्या किया. देयर वर 11 मैन ऑन द शिप. यानी कि जहाज पर 11 लोग थे. दे गोट होल्ड ऑफ द सेकेंड बोट टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द ब्रेकिंग शिप. यानी कि उन्होंने सबने क्या किया, दूसरी बोट को पकड़ लिया अपने आप को टूटते हुए जहाज से बचाने के लिए. इज़ इट पॉसिबल टू रो अ बोट इन स्टॉर्मी सी. क्या ये मुमकिन है कि तेज़ तूफान में कोई इंसान बोट चला पाए. वाई वर द मैन रोइंग द बोट. और वो जो आदमी थे वो बोट क्यों चला रहे थे. इट इज़ इंडीड डिफ़िकल्ट टू रो अ बोट इन स्टॉर्मी सी. असल में तूफ़ानी बारिश में समंदर में नाव खेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सम हाउ दे वर रोइंग द बोट बिकॉज दे वर लेफ्ट विद नो चॉइस. लेकिन किसी तरह से वो नाव को चला रहे थे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था. हाउ मैनी टाइम्स वॉज द नैरेटर थ्रोन टू लैंड. यानी कि जो नैरेटर है कितनी बार धरती पर जाकर गिरा. हाउ डिड ही फाइनली सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बींग ड्रैग्ड बाई द सी. यानी कि आखिर में उसने अपने आप को समुंदर के द्वारा बहाए ले जाने से कैसे बचाया. द नैरेटर वॉज थ्रोन टू लैंड 4 times. यानी कि नैरेटर जो था ज़मीन पर 4 गिरा. यानी कि समंदर ने 4 उसे धरती पर फेंका. ही फाइनली सेव्ड हिमसेल्फ बाई होल्डिंग ऑन टाइटली टू अ पीस ऑफ रॉक. और आखिर में उसने एक चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया जिससे वो बच गया. After escaping from the stormy sea, the narrator was again worried. यानी कि तूफ़ानी समुंदर से बचने के बाद नैरेटर को फिर चिंता थी. What was he worried about now? अब उसको क्या चिंता थी. Answer: The narrator was worried because नैरेटर को चिंता थी क्योंकि he had nothing to eat. उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. He did not have any dry clothes. उसके पास कोई सूखे कपड़े नहीं थे. Wild beasts may attack him. जंगली जानवर उस पर हमला कर सकते थे. ही हैड नो वेपन टू किल एन एनिमल. उसके पास जानवर को मारने का कोई हथियार नहीं था. हाउ डिड द नैरेटर प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द नाइट. नैरेटर ने अपने आप को रात के लिए कैसे तैयार किया. द नैरेटर क्लाइम्ड अप अ ट्री एंड प्लेस्ड हिमसेल्फ. नैरेटर पेड़ पर चढ़ा और उसने अपने आप को वहाँ पर फिट कर लिया, सेट कर लिया. सो दैट ही वुड नॉट फॉल वाइल स्लीप. ताकि वो सोते समय ना गिरे. He kept a stick for defense. उसने अपने साथ अपने बचाव के लिए एक लकड़ी रखी. Thank you so much. Have a nice time. Take care. Like, share and subscribe.